आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, आशा करता हूँ कि प्रभु में आप सब खुश होंगे। दोस्तों, आज का विषय है परमेश्वर द्वारा भेजे गए दूत सदा आपकी रक्षा करते हैं। वचन देखेंगे भजन संहिता 51:11, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाएगा कि वे तेरी रक्षा करें। दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद। आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि वो भला है। दोस्तों, एक बार प्रभु यीशु की माता और उनके भाई उनसे भेंट करने आए और चेलों ने कहा, प्रभु आपकी माता और आपके भाई आपसे भेंट करने के लिए आए हैं। तब यीशु ने कहा, मेरी माता और भाई वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। दोस्तों, जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तब आप परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, जो सर्वशक्तिमान है, और उनकी आज्ञाओं को मानने वाले भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर राजाओं के राजा की संतान है। राजकुमार है, राजकुमारी है। दोस्तों, आप राजकुमार हैं, आप राजकुमारी हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए स्वर्ग से अपने दूतों को भेजकर आपकी रक्षा करवाते हैं। और वो दूत कोई और नहीं परंतु स्वर्ग दूत है, जो आपकी ओर से अंधकार की शक्तियों से युद्ध करते हैं और आपकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। राजा दाऊद कहते भजन संहिता 34:7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। शायद आप न जानते हो, परंतु मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के भय में अपना जीवन जीते हैं और एक बालक के समान परमेश्वर की आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी होते हैं, तब मृत्यु भी आपका नाश नहीं कर सकती, जब तक परमेश्वर आपको जीवन देना चाहता है। इसलिए एक पुत्र के समान आज्ञाकारी बने और बहुत ऐसे आशीष पाए। प्रभु इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पर आप सभी को आशीष दे। प्रेस द लॉर्ड।